रुशना सिर्फ तुम्हारी है जिब्रान, और मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी, मेरा यकीन करो। जिब्रान? जिब्रान कौन है और रुशना किससे बात कर रही है? अच्छा, तुम्हारा फेवरेट फूल कौन सा है? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि शादी की रात को मैं पूरा कमरा उसी फूल से सजाऊं। बस समझी, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के अख्तियार में है, इंसान के बस में तो कुछ भी नहीं। ठीक कह रहे हो तुम बेटा, लेकिन मीना के साथ साथ मेरी बच्ची की खुशियां भी चली गई। नहीं, क्यों चली गई इसकी खुशियां? ज्यादा यही होगा कि शादी थोड़ी आगे हो जाएगी, लेकिन देखें अल्लाह की इसमें भी कोई बेहतरी होगी। अम्मा तदफीन कल सुबह होगी, पर ये हस्बैंड भी आ रहा है। शहू, आफाक शिरकत कर सकेगा क्या? जी भाभी, उसके हाथ और पैर में काफी फ्रैक्चर्स थे, प्लास्टर तो करवा दिया है, दिमाग की चोट तो मामूली थी, अब सारी रिपोर्ट्स अगर ठीक आ जाती हैं, तो व्हीलचेयर पे तो आ सकता है वो। क्यों भाई? हाँ, मेरा ख्याल। उसे बता दिया है क्या? हाँ माँ, बताना तो पड़ेगा ना। बेचारी सारे अरमान अपने दिल में लेके चली गई। ठीक कह रही हैं आप, अकलौता बेटा था उनका, कितनी खुश थी वो उसकी शादी से। अब नसीबों का लिखा कौन टाल सकता है। अम्मा, वो मैं कह रही थी लोगों को इत्तला कर दे शादी मुलतवी होने की। अरे तो इतनी जल्दी क्या है, कल तदफीन हो जाने दो, फिर सोचेंगे। अम्मा, मैं तो इसलिए कह रही थी, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है, अब सब कुछ उसी की रजा से हुआ है तो यकीनन इसमें भी कोई राज छुपा होगा। फातिमा को तो अभी तक आ जाना चाहिए था, हैदराबाद गई भी है और अभी तक लौटी नहीं। जी अम्मा, नोफिल और असद के साथ आ रही है, अपा के कुछ रिश्तेदार आ चुके हैं वहां पे उसके पास। फायजा, रुशना कहाँ है? अम्मा, वो उसको बुखार है, सो रही है वो। गुल, अगर तुम इस तरह परेशान रहोगी तो पप्पू को कौन संभालेगा? पता है कितनी मुश्किल से मैंने उनको खाना खिला के दवाई दी है ताकि वो आराम से सो जाएं। थैंक यू सो मच भाभी, मुझे तो हिम्मत ही नहीं हो रही अम्मी के सामने जाने की। हालांकि जो चीज जिस वक्त पे मुकर्रर कर दी है अल्लाह ताला ने, वो उसी वक्त पे होगी। मेरी शादी भी हो जाएगी, पता नहीं क्यों क्यों अम्मी को ये बात समझ नहीं आती। देखो गुल, पप्पू की जिंदगी में बहुत तल्ख इंसिडेंट्स हुए हैं, वो डरने लगी हैं। आप ठीक कह रही हैं, अम्मी को ऐसे ही लगता है कि जो बुरा उनके साथ हुआ था कहीं वो मेरे साथ ना हो जाए।